यहाँ में भी क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर आपको कीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर जैसे यहाँ कीज़ का ऑप्शन भी है लेकिन यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ वाईफाई का, तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा जी, कार्ड्स आपको इशू होते हैं तो कार्ड्स आप यहाँ पर जैसे स्कैन करेंगे। तो भाई ये हमारा रूम है और यहाँ पर फिलहाल तो सामान सारा बिखरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको डस्टबिन और रोल्स वगैरह भी हैं अवेलेबल। यहाँ पर आपको हेयर ड्रायर है, मिरर है, ये इनका लॉबी है, पूरा बेहतरीन बना हुआ है। मुख्तलिफ टावर से यहाँ पर हम तो टावर वन पर है, यहाँ पर ये इनका रिसेप्शन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, आप खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग में हाजिर है। आज मैं आपको रिव्यू दूंगा अपने होटल का, फाइव स्टार होटल है बुक को, तो उसके बारे में आज वीडियो होगी ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनका लॉबी है, पूरा बेहतरीन बना हुआ है। मुख्तलिफ टावर से यहाँ पर हम तो टावर वन पर है, यहाँ पर ये इनका रिसेप्शन है, बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है इसका रिसेप्शन। इनका ये हॉल बना हुआ है, लाइटिंग इनकी बड़ी बेहतरीन है। मुख्तलिफ टावर से यहाँ पर मैं आपको इनके रिसेप्शन दिखा देता हूँ। ये इनका रिसेप्शन है और ये इनकी गवर्नमेंट के जो बादशाह वगैरह उनकी पिक्चर्स लगी हुई है। इनकी पूरी लॉबी है वेटिंग की, यहाँ पे आपको ईजिली यहाँ पर वेटिंग एरिया मिल सकता है। ये इनकी बसेस हैं, बसेस जो हैं आराम से आपको आरम तक ले जा सकती हैं। आप इन्हीं बसेस में आरम भी जा सकते हैं, आरम से आ भी सकते हैं। बुक की टाइम्स पे चलती रहती है, ये 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो आप इजी होके यहाँ पर बस में बैठ के आप आरम तक जा सकते हैं। चारों लिफ्ट में से कोई भी आ सकती है यहाँ पर इसी एक ही टावर में, लिफ्ट से चार, ठीक है। तो यहाँ में भी क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर आपको कीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर जैसे यहाँ कीज़ का ऑप्शन भी है लेकिन यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ वाईफाई का, तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा जी, कार्ड्स आपको इशू होते हैं तो कार्ड्स आप यहाँ पर जैसे स्कैन करेंगे तो आपका गेट जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन हो गया, अब आपका कार्ड जो है यहाँ से गेट खुलेगा, अदरवाइज नहीं खोल सकता। ऐसा ही उनकी जो लिफ्ट जो है वो भी ऐसे ही काम करती है, अगर आपके पास कार्ड है तो वो उसी फ्लोर पे लेके जाएगा, अदरवाइज लिफ्ट आपको किसी को पिक नहीं कर सकता। भाई ये हमारा रूम है और यहाँ पर फिलहाल तो सामान सारा बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो ये रूम है 4 बेड का, यहाँ पर मैं आपको नज़ारा भी दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या सीन है बिल्डिंग से। यहाँ पर हम अभी 20th फ्लोर पर हैं, ठीक है। बाहर थोड़ी शीशा जो साफ नहीं है इस वजह से ही नहीं दिख रहा, ये पहाड़ ही है, ठीक है। यहाँ पर कम रूम्स इनके बड़े बेहतरीन हैं, इनका यहाँ टीवी है और चाय का पूरा सामान है इनकी तरफ से, डस्टबिन है और पानी वगैरह, टेलीफोन सब मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इनके जो कैबिनेट्स हैं, हैंगर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं और लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। यहाँ पर आपको एक लॉकर भी मिलेगा अगर आप कोई पर्सनल पैसे वगैरह रखना चाह रहे हैं। आपको इस्त्री मिलेगी यहाँ पर, इस्त्री का पूरा स्टैंड है, ये भी आपको मिलेगा। वेट मशीन अगर आपने वेट चेक करना है अपने, तो बाकी यहाँ पर आप अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका मैप है, अगर एमरजेंसी की सूरत में कहीं निकलना हो सीढ़ियों से तो वो पूरा सिस्टम बता रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाऊँ, वॉशरूम है, ठीक है, कमोड सिस्टम है, ये वॉशरूम है इनका। यहाँ पर आपको डस्टबिन और रोल्स वगैरह भी हैं अवेलेबल। यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर है, मिरर है और यहाँ सोप वगैरह भी हैं और टॉवल्स आपको अवेल देते हैं यहाँ पर, 4 से 5 टॉवल्स आपके होते हैं। यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड दोनों सिस्टम है इसमें। इसमें आपको ये क्रीम्स, लोशन और कंडीशनर वगैरह ये भी मिल सकता है। और यहाँ पर है शावर जेल भी अवेलेबल है। और आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है, ये कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड जो है इस मशीन में लगा रहता है, इसका अगर डालेंगे तो घर की लाइट जो है चलती रहती है। अगर हम बाहर जाएं तो इसको निकाल के आप इसको रिमूव कर देंगे तो ईज़िली पूरे घर की जो लाइट है बंद हो जाएगी।
हमारा तो यहाँ 5 दिन का एक्सपीरियंस रहा है, होटल में बड़ा बेहतरीन था। तो मेरे ख्याल से तो 5 स्टार होटल बेहतरीन है, इकोनॉमिकल भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आराम से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसमें यह है कि आपको शटल सर्विस मिलती है। शटल सर्विस में ये है कि आपको आसानी हो जाती है, हरम के पास आके रोकते हैं और आप वहीं से 5 या 10 मिनट के पैदल के बाद ईजिली आप हरम पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।